Uh, and i'm in edmonton canada and i am connected to Shweib from saudi arabia uh, who, who was successful in, in bringing his family to uh, to canada on a study visa with the whole family so uh, for many times i've been trying to say to people that uh, people should, should uh,

तो so, मेरी एप्लीकेशन जैसे आपको पता ही है कि पहले आपसे एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने से पहले एक दफ़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो चुकी सी दैट एप्लीकेशन आई ट्राइड ऑन फुली माय ओन आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवर वॉज रिक्वायरमेंट बट मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं था जो एक्सपीरियंस आपके पास है एप्लीकेशंस को कैसे जो है ना प्रॉपर फाइल करना है दो तीन उसमें जो कमियाँ रह गई थी मेरे से तो जब आपसे मैंने कंसल्ट किया तो आपने उसको जो है वो क्लियर किया फिर उसको उस पर हम दोनों ने मिलकर काम किया और फिर फाइनली आपने उसको सबमिट किया और आई गोट सक्सेसफुल वीजाज फॉर माई सेल्फ इनकलूडिंग माई फैमिली एंड स्पाउस ओपन वर्क परमिट शुैब मेरे को ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है आप यहाँ पर कितने साल से ज़िंदगी में आपके पास काम कर रहे हो सऊदी में कितने साल से हो और क्या आपका नेचर ऑफ़ जॉब क्या है जी मैं बेसिकली uh, मेरा नेचर ऑफ जॉब जो है वो आईटी एंड कम्युनिकेशन है और सऊदीया में मैं 2000 मिड ऑफ 2017 थाउजेंड सेवनटीन हूँ उससे पहले मैं जो है वो कोथ में होता था एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो नियरली 12 13 इयर्स है जिसपे मेरे पास डिफरेंट लेवल और डिफरेंट कंपनीज का एक्सपीरियंस है आ, इंजीनियर लेवल सीनियर इंजीनियर लेवल और मैनेजर एंड ऑपरेशन मैनेजर लेवल का जो है एक्सपीरियंस है Recently, जो है रिसेंटली जो वो ऑपरेशन मैनेजर जॉब कर रहा हूँ यहाँ लोकल सऊदी कंपनी में काफ़ी बड़ी जो है ना वो फर्म है सेमी गवर्नमेंट है जी एक चीज और बताएं तो ये, ये बात साफ होगी कि आपके पास बारह तेरह साल का एक सॉलिड एक मुकम्मल एक्सपीरियंस है आपके पास और टेक्निकल बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है वो मेरे को पसंद आया और कनाडा वालों को भी पसंद आता है कि जो जो है, उनका, उनका है, you know, कि जो 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 लोग टेक्निकल टेक्निकल होते होते हैं हैं वो काफ़ी उनका उनका अप्रूवल रेट ज़्यादा है जस्ट टू लेट यू नो इंजीनियरिंग वाला करते हैं साइंटिस्ट वाला उनका ज्यादा अप्रूवल है दूसरा आपकी जो इंग्लिश का स्कोर आपने जो लिया था वो कितना था आपका इंग्लिश का स्कोर स्टडी वीजा एप्लीकेशन में जी आ, पहले तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें कोई भी आ, कट आउट नहीं है मेरा जितनी भी जॉब्स मैंने की हैं वो कंटिन्यूस की है उसमें कोई भी गैप नहीं है नॉट इवन फ्यू डेज गैप और दूसरी जो इंग्लिश है मेरी ओवरऑल इंग्लिश स्कोर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी सिक्स थी ओवरऑल जिसमें फर्स्ट टाइम मेरी जो है वो सेवन थी सेवन इन स्पीकिंग सिक्स इन लिसनिंग and then 5.5 in writing and 5.5 uh, in reading. Second time 6.0 जिससे हमने file submit की थी वो थी 6.5 uh, with uh, six uh, listening, sorry six writing and 5.5 reading and 5.5 uh, listening. आ, दोस्तों हम इस इसके बारे में इसलिए दोबारा से इसको ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं इनकी इंग्लिश क्या था इसलिए मैं आपको दोबारा से ये discussion में ला रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी एप्लीकेशन भी करूँ तो जो एक सर्टेन प्रोफाइल है शोब इज अलो आइडियल प्रोफाइल भी इस तरह से अगर प्रोफाइल आपका है तो वीजा के चांसेस आपके इंक्रीज होते हैं तो इसलिए मैं इनसे दोबारा दोबारा कह रहा हूं जैसे कि आपको मालूम पड़े कि क्या प्रोफाइल हमें चाहिए पड़ती है तो नंबर वन हमें कम से कम दस साल प्लस अगर एक्सपीरियंस है तो वो मेरा एक फर्स्ट प्रेफरेंस है कि दस साल से आप काम कर रहे हैं तो वो एक पहली रिक्वायरमेंट है मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट है आपकी इंग्लिश का अच्छा होना चाहिए मिनिमम सिक्स उससे बेहतर है तो वो है तो ये तो दो रिक्वायरमेंट हो गई तीसरी रिक्वायरमेंट पूछते हैं शोएब से शोएब ये बताएं कि आपके हस्बैंड वाइफ और चार बच्चे के लिए फंड्स कितने आपने बैंक में शो कर हैं कितने दिखाई दे ये बताएं फंड्स जो है वो आ, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा लेकिन अकॉर्डिंग टू सीआईसी वेबसाइट आप अगर उसको देखें अक्सर मैं मैं एक, एक चीज इधर जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा Uh, अक्सर हमारे जो साउथ uh, एशियन जो हमारे बाई हैं, वो पैसे को जो है ना वो ऐसे मुट्ठी में पकड़ के रखते हैं ठीक <laughs> है <laughs> वो कहते हैं कि हम चले भी जाएं और पैसे भी ना लगे तो ये काम नहीं हो सकता फॉर एवरी वन प्लीज लिसन टू मी केयरफुली इफ यू हैव एम टू गो देन यू नीड टू ओपन योर हैंड विद द मनी इफ यू कीप इट क्लोज यू विल नेवर सक्सीड चलो अच्छा This है आपने वो अच्छा आप तो

30,000 डॉलर तो ये हो गए आपके लिविंग एक्सपेंसेस है बच्चे yes. हैं तो कम से कम so, अगर मैं अगर मैं इसको गलत ना हूं अगर मैं इसको इशारा ना करूं तो करीब कम से कम चालीस पचास हजार डॉलर का बजट तो होना चाहिए कि नहीं सारे उसमें पूरे ऑपरेशन मिनिमम मिनिमम चालीस पचास मेरा ख्याल है कम होगा हाँ। क्योंकि अगर आप इसमें आपने जीआईसी भी पे करनी है 000, जी। और फिर अगर आप ये सोचे कि मेरे बैंक में जो पैसे हैं वो केस ऑफिसर देखेगा तो ऐसा नहीं है क्योंकि वीजे ऑफिसर ने जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपके बैंक में किसने पैसे पड़े हैं उसने ये भी देखना है कि आपके बैंक में जो पैसे पड़े हैं आपने उसमें से टिकटें भी खरीद के आना आपने उसमें से दूसरे ट्रैवल एक्सपेंस भी पूरे करने हैं और अकॉर्डिंग टू अगर आप सी की भी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके चेक करें तो वो कहते हैं कि टेन थाउजेंड डॉलर पर पर्सन आपको चाहिए अगर जी? आपके छह फैमिली मेम्बर हैं तो आपको विदाउट यूनिवर्सिटी आपको मिनिमम सिक्सटी डॉलर तो चाहिए और आप उस पे जो है वो यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह बाकी ऐड कर लो और आप उस हिसाब से देख लें लेकिन यस मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड होने चाहिए जी? तो वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आपने वेबसाइट बोला उसमें थोड़ा साउजेंड पर चलो हजार डॉलर में नहीं है, सारा करना मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल है होना नहीं कुछ फिफ्टी थाउजेंड डॉलर अगर जो सऊदी के लोग है कितने रियाल बनते हैं ये बताने कितना बैलेंस चाहिए उनको फिफ्टी थाउजेंड डॉलर जो है वो तकरीबन डेढ़ लाख एक लाख साठ हजार रियाल बनेंगे जी जी तो इसका मतलब ब्रदर ऐसा है कि जब तक आपके पास डेढ़ लाख रियाल का जब तक आपके पास बैंक बैलेंस में क्लियर फंड्स नहीं है मतलब के तो ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा मतलब जस्ट यू चु, लेट पीपल नो के आ, मतलब कि इतना बजट अगर होगा सो सबसे पहली बात यह है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट है दूसरी है कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस इन दस साल प्लस है जी। तीसरा है फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो ये तीन तो चाहिए ही चाहिए हैं जिससे कि हम एप्लीकेशन लगा सके और एक चीज मैं आपको बता दूं कि शायद इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी एप्लीकेशन कब लगेगी uh, मैं आई एम नॉट अमिन कि आप अपनी तरफ से कर सकते हैं किसी और से करवा सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर पर्सनली करता हूं उनकी एप्लीकेशन जिनके पास साइंस टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का जिसको कहते हैं स्टेम दैट मीन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स अगर आपका स्टेम का बैकग्राउंड है तो बड़ी मेरे को खुशी होगी और मेरे को पता है कि कनाडा वाले भी पसंद करते हैं बजाय के अगर कोई आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी बडी बजाय कि अगर कोई जनरल एम बी ए कर रहा है जी और कॉमर्स है अकाउंटेंट है या टीचर है वगैरह मेरे को मेरे को इनको से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेम के जो जो एप्लीकेशन प्रोफाइल है उनका अप्रूवल रेट ज़्यादा है अच्छा है और उनकी एक प्रेजेंटेशन भी मतलब दिस इज अ गुड अप्रूवल रेट फॉर दो पीपल सो जो मैं एप्लीकेशन लेना चाहता हूँ वो लेना चाहता हूँ स्टेम की मिनिमम टेन ईयर्स एक्सपीरियंस और मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड डॉलर डेढ़ लाख जो इन्होंने बताया रियाल का अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तब तो इस चीज में हमें आगे जाने की गुंजाइश है अदरवाइज यू नो फिर वो कहते हैं जी वीजा कैसे रिफ्यूज हो गया वीजा इसलिए रिफ्यूज क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी भी है अच्छा एक चीज और बताए एक चीज और बताएं, बताएं शुएब के एक जो सऊदी में जो प्रॉब्लम शायद है बाकी में नहीं है यहाँ की जो नौकरियां जो हैं नौकरियां जो है इसको कच्ची है कामा है जो आपका वो हर साल रिन्यू होता है तो नौकरी का क्या सीन है नौकरी जैसे अगर कोई एप्लीकेंट करता है तो उसको नौकरी कोई ऐसा सिचुएशन है सऊदी में कि किसी की नौकरी पक्की है किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है वहाँ क्या सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ी रोशनी जी, मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात कहूंगा जो तो आ, जो लोग पैसे कमाने आए हैं अपना कैरियर नहीं बनाने आए वो सिर्फ पैसों में इंटरेस्टेड हैं और उनकी जॉब जो है ना खतरे में है और जिन लोगों ने अपना कैरियर बनाया उन्होंने अपना पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी वो लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हैं और वो ही आगे जाएंगे और उनको ये कभी भी निकाल नहीं सकते यहाँ पे जो सऊदियाइजेशन जो चल रही है उसमें जो जॉब्स जो इफेक्टेड हैं वो आ, नियरली टू नॉन टैलेंटेड पीपल के लिए जैसे कि आपके पास चार साल का एक्सपीरियंस है आपने बैचलर डिग्री की कॉमर्स में लेकिन आपको कोई काम नहीं मिला आपने आईटी पढ़ना शुरू कर दिया तीन साल आपने आईटी पढ़ा उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई आप उधर चल गए तो कोई आपका प्रॉपर ट्रैक नहीं है कैरियर का तो वहां पे आपकी जॉब जो है ना वो खतरे में अगर आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंजीनियर हैं ठीक है कोई प्रोफेशनल कैटेगरी में आपने आपके पास डीप एक्सपीरियंस है तो ये जितना मर्जी कर लें वो आपको जॉब आपकी सिक्योर है दूसरी बात यहाँ पे होता है एकामा एकामा जो है वो हर साल रीन होता है उसका और वो भी कामा उसी का रीनल कंपनियां कर रही हैं जिनकी उनको ज़रूरत है अगर आ, किसी कंपनी को आपका सब्सिट्यूट मिल जाता है तो आपको क्यों रखेगी एक सिंपल सी बात है आ, आप एक एम्प्लॉय रखते हैं वो आपका जो है वो आठ घंटे काम कर रहा है वो आपसे दस हज़ार डॉलर सैलरी ले रहा है आपको कोई दूसरा बंदा मिल जाता है काम करने के लिए जो आठ हज़ार सैलरी ले रहा है और उससे ज़्यादा काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे तो जी, जी, so, ये ये और तीसरा आ जाती है कंपनी कैटेगरी कंपनी कैटेगरी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो वीजे खरीद के आ जाते हैं और ऐसी कंपनियों में अपने कामे जो है ना वो लगवाते हैं कि जिनकी कोई प्रोफाइल ही नहीं होती और फिर बाहर जाके इधर उधर काम करते हैं और अगर वो बोलें कि उनकी प्रोफाइल यूज हो जाएगी वो कभी भी नहीं होगी क्योंकि आपने भी देखा है और मैंने भी एक्सपीरियंस देखा है कि जो वीजा ऑफिसर है वो ये सारी चीजें जो है वो देख रहा है उसको पता है कि हाँ ये अगर उधर चला जाएगा तो इसको क्या नुकसान है अगर किसी की इधर सैलरी फॉर एग्जांपल अब जिसकी सैलरी यहाँ पे पच्चीस हजार रियाल है पच्चीस हजार रियाला आपके तकरीबन आठ हजार डॉलर बनते हैं या इससे अबव है ठीक है तो वो वीजा ऑफिसर को भी पता है कि ये इतनी ज्यादा सैलरी ले रहा है वहां पे जाएगा तो ये टैक्स देगा तो उसको मेरा नहीं हाल के उसको उधर जाना चाहिए जो सैलरी है कम ले रहे हैं जिनकी सैलरी पंद्रह हजार है दस हजार है बारह हजार है वो जो है वो बोलेगा कि इसकी तो सैलरी इधर कुछ नहीं है तो बस निकलने की कोशिश कर रहा है फिर दूसरी चीज मैटर करती है आपकी फैमिली <coughs> यहाँ पे फैमिली आ, रखना अफोर्ड करना इट्स नॉट इजी क्योंकि इनके जो ईयरली इनका रेजिडेंस है और ओवरऑल जो खर्चे हैं आ, वो काफ़ी ज़्यादा है तो जिसकी सैलरी कम है वो डेफिनेटली फैमिली को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये चीज़ें जो हैं वो आ, मेरे एक्सपीरियंस में Uh, क्योंकि मैंने अपना केस किया इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ जो है वो मैटर uh, कर रही है और जैसे कि मेरा पहला वीजा जो रिफ्यूज़ हुआ था वो उसमें uh, वीज़ा ऑफिसर ने कोई ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं थी लगाई कि ना फाइनेंस की ऑब्जेक्शन लगाई थी ना आइल्स की ऑब्जेक्शन लगाई थी उसने सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्शन लगवाई थी कि uh, हमें डर है कि आप जो है वो इधर वेल स्टेब्लिश नहीं हो तो क्योंकि उस वक्त मेरा इकामा जो है वो कम था लेस देन सिक्स मंथ जिसकी वजह से ये इट वाज वन ऑफ द रीज़न जी, एक चीज और बताएं आ, बहुत सारे लोग ये बातें सुन रहे हैं जो अभी सऊदी में काम कर रहे हैं और मे बी कुवैत में और जितने भी कंट्रीज आसपास हैं है यहाँ पर है जो मेरा एक्सपीरियंस है जो इंडियन पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी जो साउथ एशियन के जो लोग हैं अब पता नहीं उनकी उसकी वजह क्या है लेकिन मेरे को लगता है कि जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं या जिनको नौ यहाँ पर तनख्वाह मिलती है वो पैसा अपना यहाँ रखते हैं नहीं उठा के अपने देश भेज देते हैं पैसा तो यहाँ पर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में वो फंड शो नहीं होते इसके बारे में आपको क्या कहना है और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपने भी जो फंड्स मतलब के जितना भी आप बताना चाहे बता सकते हैं कि फंड्स का बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है कि अपनी कंट्री में फंड दिखाने जरूरी है अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट जो फंड है वो आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे आपका बैंक बैलेंस uh, जो है वो काउंट करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री uh, uh, जो है वो वहाँ की मैटर करती है आपने बेशक अपने मुल्क में जो है वो करोड़ों रुपए रखे हो वो कोई मैंने नहीं रखेंगे ठीक है तो आपने जितने भी आपके यहाँ पे जो आपका uh, अकाउंट है ठीक है आपके सारे के सारे फंड वहां पे होने चाहिए आपने उनको शो करना है कि कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो नौ हजार में एक हजार में कैसे भी करके खर्चा कर रहा हूँ तो आपका अकाउंट बैलेंस अच्छा होना चाहिए और इसी अपना जहां पे भी है कुवैत में कतर में सऊदिया में जहां पे भी हैं उसी बैंक में होना चाहिए और कम से कम ये छे महीने का आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए और ये भी ना करें कि छह महीने में आप किसी अपने जो है ना वो आ, फ्रेंड को या किसी से लोन लेके आप अपने बैंक में पैसे डालें तो वीजा ऑफिसर बोलेगा कि भाई इसके पास तो पहले कभी पैसे ही नहीं थे ये सडनली कहाँ से आ गए आगे yes, right. आप फिर उसको जितना मर्जी अप्रूव करते रहेंगे आप उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दे जो मर्जी करे वो कभी भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो वो देखेगा कि इसके पास पहले तो ये हिस्ट्री नहीं थी और डेफिनेटली ये जाने के लिए बनाई है। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे जो आई डोंट नो के अदर जीसीसी कंट्री में ये पॉलिसी है या नहीं है uh, सऊदी में जो जितने भी बैंक्स हैं वो कनेक्टेड uh, है और एम्बेसी के पास उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन है अच्छा मेरे अगर, को, अगर आप पता नहीं, मेरे को पता नहीं था मीन के जो कनेक्शन uh, मतलब आपने नोटिस किया होगा कि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन जो है वो आई डी थी जी, और जी. उसके साथ उन्होंने जो है वो वेरिफिकेशन लिंक दिया हुआ है आप जी. जैसे ही उस वेरिफिकेशन लिंक को क्लिक करेंगे और जो स्टेटमेंट कंप्यूटर जनरेटेड आईडी डी जनरेट हुई हुई है आप कंप्यूटर आई डी उस पर वो आईडी आप इंटर करेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कब मेरा अकाउंट ओपन हुआ था कौन सी ब्रांच में अकाउंट ओपन हुआ था मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था फ्रॉम द डे आई अकाउंट सारी हिस्ट्री आपको, uh, opening, आपको मिल जाएगी सर जी ये सिस्टम तो ये सिस्टम तो इंडिया पाकिस्तान में होना चाहिए वहाँ तो सिस्टम ऐसा कोई है ही नहीं <laughs> इसीलिए नहीं है ना अच्छा इसलिए नहीं है ये तो बड़ा बड़ा अच्छा पता आपने तो ब्रदर आपने सुना के शोएब का वीजा कैसे लगा कैसे इनका वो हुआ है तो जितने भी लोग देख रहे हैं मेरा इंटरेस्ट है स्पेशली जो जीसीसी कंट्रीज हैं जैसे ये शोएब ये कामा का जो जो सिस्टम है ये कहाँ कहाँ पर है सऊदी में कुवैत कतर मस्कट बहरीन कहाँ कहाँ पर है बताएं जरा क्यों सी में पूरे, पूरे जी सी जी सऊदी अरब दुबई कतर ओमान ये छह मुल्कों में जो है ये कामा सिस्टम है। है, so, ठीक दोस्तों अगर आप इस पूरे इस पूरे पूरे रीजन में, अगर में अगर आप इस तरह की का आपके पास मैं सीख रहा हूँ थोड़े, थोड़े वर्ड को मैं माजरत चाहता हूँ माजरत तो, तो इसमें इस तरह का अगर प्रोफाइल आपका है और तो आप जरूर हमें एक कॉन्टेक्ट uh, कर सकते हैं कर सकते हैं और आई वुड लव टू डू योर फाइल नो प्रॉब्लम जस्ट लाइक जस्ट लाइक शोएब। तो इसको मैं समराइज दोबारा कर दूं कि नंबर वन है आपके पास मिनिमम दस साल का एक्सपीरियंस हो अगर टेक्निकल एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा मतलब वो टेक्निकल ना है तो आई विल रिव्यू इट बट आई के नॉट गारंटी टेक्निकल है इंजीनियरिंग का है साइंस का है मेडिकल का है हेल्थ केयर You know, something technical, uh, you know, है, बहुत अच्छा है uh, तीसरा है कि आपके पास इंग्लिश uh, अच्छी होनी चाहिए तो होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश के बगैर वो सोचते हैं स्टूडेंट पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा तो इंग्लिश की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है चौथा है कि आपके पास जो फंड्स हैं जो बजट का जो है टोटल अगर आपके पास तीन चार बच्चे हैं और यू नो यू नो पांच छह मेंबर है पूरे फैमिली के जा रहे हैं तो फिफ्टी थाउजेंड डॉलर का लेकर चले ब्रदर आप इससे कम में बात बनने वाली नहीं है और ये ये चारों डॉक्यूमेंट चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने कहा अच्छी बात कही है बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए बिल्कुल सॉलिड मतलब पिछले छह महीने यू नो टिपिकली आई इवन गो मंथ्स छह महीने तो होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट्स में क्लियर फंड्स चाहिए तो ये सब अगर आपके पास, पास पांचों अगर चीजें हैं प्रोफाइल में तो आप जरूर आ, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैं एक लिंक डाल रहा हूँ नीचे इसी लिंक इसी वीडियो के नीचे एक जो इंफॉर्मेशन बनी है उसमें अपना नाम ईमेल एड्रेस जो अपने ट्रांसक्रिप्ट बैचलर्स डिग्री यू नो इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर वगैरह सारे अपलोड करके आप मेरे को भेजें और आप uh, फिर जस्ट वेट फॉर माय रिस्पांस कंसल्टेशन फीस आई आई हैव टू चार्ज क्योंकि हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इट लेकिन uh, आपको मैं एडवाइस दूंगा जो बिल्कुल ही एक्यूरेट इमपार्शल एडवाइस और बिल्कुल एक्यूरेट रियलिस्टिक असेसमेंट करके बताऊंगा कि आपकी फाइल uh, लगाने का कोई चांस है भी है नहीं है कि छोड़ें आप ना लगाएं ऐसा ना हो कि रिफ्यूज हो जाए या कुछ हो जाए तो ये मैं आपको बताना चाहता था और थैंक यू वेरी मच शुएब फॉर गिविंग योर व्यूज अगर जाते जाते कुछ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ कहना एक, तो एक तो और एक चीज मेरे जेन में है जो जो मैं उसको देख रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है यू करेक्ट मी फैम रॉन्ग क्योंकि मेरी uh, यहाँ काफ़ी दोस्तों से जो है वो इस सिलसिले में बात हुई है और भी मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की है कि पीपल दे प्रेफर टू गो फॉर डिप्लोमा अब आप डिप्लोमा और डिग्री में आप फ़र्क नहीं समझते हो आप सिर्फ ये देखते हो कि मैं डिप्लोमा करूँगा तो मेरे जो है ना वो पाँच हज़ार या दस हज़ार डॉलर बच जाएंगे दिस इज़ टोटली रोंग आप अपना जो है वो फ्यूचर उधर बनाने जा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप जो है वो डिग्री के लिए जाओ और ये डिग्री आपके फ्यूचर में पी में भी काम है कि आपको डिग्री के नंबर ज़्यादा मिलेंगे डिप्लोमा के नहीं मिलेंगे सेकेंड आपका वीज़ा प्रोसेसिंग

So, आपके पास बैचलर्स डिग्री है और आप मास्टर डिग्री छोटे मोटे सर्टिफिकेट डिप्लोमा देंगे आपका एडमिशन एक डिग्री प्रोग्राम में होना चाहिए बाकी देखो आई प्रैक्टिस इमिग्रेशन लॉ मैं कोई किसी से कोई कमीशन नहीं लेता को, कोई यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं आपका एडमिशन आपको खुद कराना है आई कैन टेल यू कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रहेगी तो आप एडमिशन अपने आप कराओ मेरे पास तो जब आओगे जब आपके पास एक लेटर होना चाहिए कि भाई हाँ भी आप मास्टर डिग्री में इंजीनियरिंग में जा रहे हो या एम एस इन वटेवर जो भी जा रहे हो तब आई कैन डू योर स्टडी वीजा फाई बाकी मैं नहीं कराता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में भेजूँ फिर वहां से आएगी आएगी सो you know, so, अच्छा है इन्होंने याद करा दिया कि आपको स्टडी वीजा का जो फायदा है वो है आप डिग्री करने जाएंगे उससे अप्रूवल भी रेड ज्यादा अच्छा है दो साल की डिग्री है चाहे डेढ़ साल की डिग्री है लेकिन डिग्री के बाद आपको पॉइंट्स मिलेंगे वहां के उसके एक्सप्रेस एंट्री में भी पी एन पी में भी और यू नो लॉट ऑफ वेस्ट यू यू गेट बोनस पॉइंट्स और उसके बाद आपकी नौकरी के भी अच्छे चांसेस हैं और यू uh, नो you ओवरऑल know, डिग्री मास्टर डिग्री एज अ गुड प्लेजेंट एक्सपीरियंस इन योर इन इन जर्नी आ, नहीं कि आप छोटा मोटा डिप्लोमा कई कंसल्टेंट कहते हैं जी सस्ते से करा देंगे जी प्राइवेट कॉलेज आठ महीने तक कोर्स करा देंगे जी हो जाएगा वो होना फिर भी नहीं है पैसे भी गए मुड़ के रिफ्यूजल लग जाएगी

और इंडिया पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट बिल्कुल हटके है सो so, ये जो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक गल्फ के लोगों के लिए आ, हम ये एक प्रोफाइल हमने बनाई है और इसमें जरूर आप भरें और इन हो सकता है कि आपसे जरूर जल्दी मुलाकात भी होगी मेरा प्लान है आई आई डोंट नो मे मे बी बी मार्च और सो लव टू टू मीट पीपल फेस फेस पर मैं चाहता हूँ उनकी प्रोफाइल मेरे पास पहले आ जाए जिससे कि उनकी मैं उसको एक रिव्यू कर सकू फेस टू फेस तो स्काइप से भी बात होती रहती है सो Thank you very much, uh, Shuay, for uh, giving your time to me, and I yeah, hope uh, it it, uh, it benefits a lot of people, uh, you know, and they get the study visa with family. Thank you.